24 /7 में आपका स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉयज के लिए ए के स्थान पर एम स्कीम लागू होने के बाद से देश के विभिन्न न्यायालयों में इस विवाद को लेकर केस चल रहे थे कि एम बेनिफिट को प्रमोशनल हैर के अनुसार दिया जाना चाहिए न कि ग्रेड पे अथवा पे लेवल के हैर के अनुसार यानी एम्प्लॉयज की चाह थी कि जिस पोस्ट के लिए उनकी सामान्य प्रमोशन बनती है एमएससीपी में उन्हें उसी पोस्ट का पे स्केल दिया जाए लेकिन एमएससीपी के तहत कर्मचारी को पे में एकदम अगले स्तर पर रखा जाता है अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे विवाद को विराम लगा दिया है और डी ने अपने 23 मार्च 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से यह आदेश केंद्र सरकार के अधीन समस्त मंत्रालयों विभागों और ऑर्गेनाइजेशंस को पहुंचा दिया है जानते हैं डीओपीटी का यह ऑफिस मेमोरेंडम क्या कहता है तेईस मार्च 2020 का ऑर्डर है ऑफिस मेमोरेंडम डीओपीटी का रेफरेंस Reference, रिप्रजेंटेशन कोर्ट केसेज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेश फॉर ग्रांट ऑफ एम एस सी पी बेनिफिट्स इन दी प्रमोशनल हेरार की रिगार्डिंग तो ये पूरा आदेश है इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स अर्लियर ओ एम ऑफ इवन नंबर डेटेड ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड सेवनटीन मे टू थाउजेंड सिक्सटीन ऑन दी अबाउ Subject. The undersigned is directed to say that the Honorable Supreme Court of India, wide order dated 5th March 2020, has disposed of the SLPC number 21803 oblique 2014, Union of India and others versus MV Mohanan Nair case and other cases tagged together. Number 2. The Honorable Apex Court in its aforesaid judgment has inter alia set aside all the impugned orders of the honorable courts in this batch of appeals arising out of slpc number 21803 of 2014 slpc number 22181 of 2014 slpc number 23335 of 2014 slpc number 23333 of 014, SLPC number 182227 of 2015, SLPC number 31125 of 2016, and SLPC diary number 6042 of 2017. And the appeals preferred by the Union of India have been allowed. Further, the appeal arising out of SLPC number 33706 of

गवर्नमेंट पॉलिसी दैट बेनिफिट्स आर टू बी ग्रांटेड इन स्टैंडर्ड हेयर आर की ऑफ ग्रेड पे पब्लिक पे लेवल्स की ये जो केंद्र सरकार की स्कीम है एम ए पी ग्रांट करने की स्टैंडर्ड हेर आर की ऑफ ग्रेड पे ओब्लिक पे स्किल्स इसके आधार पर ही दी जाएगी नॉट इन दी प्रमोशनल हेरार की जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक एलडीसी जो 1900 ग्रेड पे में काम करता था या आज की डेट में लेवल टू में काम करता है अगर उसकी ऑर्डिनरी प्रमोशन होती है यू के लिए लेवल फोर में चौबीस ग्रेड पे में तो वो उन्नीस से चौबीस ग्रेड पे में जाएगा लेकिन एम मिलने पर वह उन्नीस से ग्रेड पे में जाएगा लेवल तीन में जाएगा तो ये प्रमोशनल हैर और पे स्केल की हैर में ये अंतर है आगे देखते हैं नंबर थ्री द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट वाइल सेटिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट द ए सी पी स्कीम विच इज नाउ सुपरसीडेड बाय द एम एस सी पी स्कीम इज ए मैटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी कोर्ट ने आगे कहा है कि ये जो एम एस सी पी है ये ए सी पी के स्थान पर सरकार की पॉलिसी है इंटरफेंस विद द रिकमेंडेशन एक्सपर्ट बॉडी लाइक द पे कमीशन एंड इट्स रिकमेंडेशन फॉर द एम एस सी पी वुड हैव ए सीरियस इम्पैक्ट ऑन दी पब्लिक एक्सचेकर तो जो सरकार की पॉलिसी है उस पर दखल देना अच्छा न होगा ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है द रिकमेंडेशन ऑफ द पे कमीशन फॉर द एम एस सी पी स्कीम हैव बीन एक्सेप्टेड बाई द गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड एंड दैट देयर इज नथिंग टू शो दैट द स्कीम इज आर्बिट्री और अनजस्ट वारंटिंग इंटरफ्रेंस इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे द जजमेंट हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट विदाउट कंसिडरिंग द एडवांटेज इन द एम एस सी पी स्कीम द हाई कोर्ट अर्ड इन इंटरफेयरिंग विद द गवर्नमेंट पॉलिसी बाय सिंपली प्लेसिंग रिलायंस अपॉन द राजपाल केस एंड दैट द इम्पनड ऑर्डर कैन नॉट बी सस्टेन्ड एंड आर लाइवल टू बी सेट असाइड तो इस प्रकार से जो बाकी कोर्ट्स में भी इसके लिए जजमेंट्स आए थे उसको भी सेट असाइड सुप्रीम कोर्ट ने किया है अकॉर्डिंगली in terms of the existing mscp guidelines and in light of above mentioned order dated 5th march 2020 all ministries departments are therefore advised to dispose of all pending grievances seeking grant of benefit in the promotional hierarchy under mscp scheme and also to defend the various pending court cases or to take immediate एक्शन फॉर अपीलिंग अगेंस्ट सच जजमेंट्स विच आर कंट्रेरी टू द एग्जिस्टिंग पॉलिसी एज अप बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन द केस तो ये डी का ऑफिस मेमोरेंडम था जो सभी मंत्रालयों के लिए विभागों के लिए जारी किया गया है ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू अपलोड दबर फिफ्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन देयर वेबसाइट फॉर वाइडर पब्लिसिटी तो ये था जो एम और ए या कह लें कि ए पहले था तो एम का जो बेनिफिट था प्रमोशनल खैर की पे एम्प्लॉज चाह रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब ये पे स्केल यानी ग्रेड पे और पे स्केल के अनुसार ही होगा ये आज का मेरा वीडियो था आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक करें शेयर करें कमेंट करें ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें नवोदय ट्वेंटी फ़ोर सेवन चैनल सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी दबाना न भूलें धन्यवाद